रोड में ना स्पीड ब्रेकर है ना वो पाइप डाले हुए, पूरा पानी इस रोड पे बह के रहता है। तो खासदार ने खाली नींद दी और घर में सो गए, अब स्पीड ब्रेकर बना ली, ये सब होते तो ये हादसे होते ही नहीं। पूरा पानी रोड पे बह रहा है। प्रतिनिधि कहते हैं कि हम ये खासदार के आदमी है, ध्यान नहीं दे रहा है, बस आके पैसा खाने का काम चल रहा है, सब यहाँ पे झोल चालू है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सबको बता दें कि मुमरा बाईपास पर जाने वाला जो रास्ता है सम्राट नगर से, आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता जो है सम्राट नगर फेमस बेकरी से जो है सीधा गांव देवी बाईपास पर ये रास्ता जाकर टच होता है। लेकिन ये रास्ता जो है अब बारिश के मौसम में काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मुमरा गाँव देवी से उतरते वक्त आज जो है करीब 11:30 बजे के आसपास में यहीं से एक बाइक सवार जो है उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जो है आकर यहाँ पर जो ये दीवार बनी हुई है इसमें टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद सीधा ये सोसाइटी के अंदर जाकर वो गिरा, जिसका खून भी आप देख सकते हैं और जिसे यहीं पर हॉस्पिटल में पीछे ही जो हॉस्पिटल है गौतमी हॉस्पिटल वहीं पर भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि कई टांके उसके सर पर लगे हुए। दरअसल यहाँ पर इसके पहले भी हादसा हुआ था जिसके बाद सोसाइटी की मांग पर यहाँ पर करीब 2 फीट लगभग दीवार बनाकर दी गई। लेकिन आज जो हादसा हुआ उसमें ये सामने आया कि जो बाइक से टक्कर होने के बाद वो व्यक्ति जिसका नाम नौशाद खान बताया जा रहा है, जो गांव देवी का रहने वाला है, वो सीधा सोसाइटी में जाकर गिरा है। यहाँ पर कुछ सोसाइटी के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है। हम लोग ये सोसाइटी में रहते हैं। तो आज सुबह 11:30 के करीब एक बाइक सवार गाँव देवी का जो लड़का है वो यहाँ से जा रहा था, तो इस रोड पे स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से वो सीधा बाइक यहाँ पे टकरा कर वो उछाल कर उधर गिरा, तो उसका सर वगैरह टूटा। यही के स्थानिक जो हमारे दोस्त थे लड़के लोग हैं, उन्होंने उसको उठाकर गौतमी हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी सलामुद्दीन भाई और हम जाके उससे मिलके भी आए, उसके सर में ज़्यादा चोट लगी है, खून भी ज़्यादा बह गया, करीबन 25 से 26 टाँके उनके सर पर आए। तो पिछली बार भी ऐसा हादसा हुआ था, हमने TMC के अधिकारियों से बोलकर दीवार 4 फीट की बनाने के लिए बोला था, पर उन्होंने 2 ही फीट की बनाया। उन्होंने बोला था कि बाद में मैं बना के देता हूँ, पर अभी मेरा शाम जय सर से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने ज़्यादा काम कर लिया है, उसका क्वांटिटी उसमें बैठ नहीं रहा है, तो वो दीवार कैसा बढ़ाएगा, ये कैसा करेगा। तो हमने उनको स्पीड ब्रेकर भी बोला था जब अवार्ड साहब ने हमारे अवार्ड साहब ने जब ये रोड बनाया था, जब ये रोड पे स्पीड ब्रेकर थे और मंदिर के पीछे 2 पाइप भी लगाए गए थे, जो पानी रोड पर आता था वो पाइप से डायरेक्ट नाले की तरफ जाता था। पर अभी आप देख सकते हैं ये खासदार निधि से रोड बना है, ये रोड में ना स्पीड ब्रेकर है ना वो पाइप डाले हुए, पूरा पानी इस रोड पे बह के रहता है। तो खासदार ने खाली निधि दी और घर में सो गए, पूरा काम कोई देखने आता नहीं, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी कर रहा है, इंजीनियर अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब यहाँ पे झोल चालू है, मेरा तो यही कहना है। और ये दीवार जो व्यक्ति को नौशाद नाम बताया जा रहा है, गांव देवी का रहना, उसके सर में काफ़ी टाके लगे हैं। आपने गए भी, मैं भी साथ में था, लेकिन आपने कुछ डॉक्टर से बात की है, क्या बताया उसने डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि उनके सर में ज़्यादा चोट लगी है, उनको अभी भी है, उनका टाके का मारने का काम चालू है और भी 1 घंटा जाएगा, तो ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे घर वालों से भी मिले, वो कह रहे थे कि वो ऑफिस के लिए काम के लिए निकले थे और 2 दिन छुट्टी थी, काम के लिए निकले थे, अचानक से फ़ोन आया और हम यहाँ पे दौड़ गए। उनके घर वाले भी बहुत रो रहे थे तो हमने उनका सांत्वना की है। पर मेरा ये कहना है कि ये जो दीवार है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने दीवार भी बना के दी, ये दीवार लोगों के यूज़ के लिए नहीं है, ये मंदिर के यूज़ के लिए बना के दिया। वही पैसा अगर लोगों के यूज़ के लिए खासदार निधि यूज़ करते, अब स्पीड ब्रेकर बनाते, ये सब होते तो ये हादसे होते ही नहीं। पूरा पानी रोड पर बह रहा है, तो खासदार का ध्यान कहाँ है? और जो खासदार के जो लोग यहाँ के खासदार के कार्यकर्ता है, लोक प्रतिनिधि कहते हैं कि हम ये खासदार के आदमी है, वो लोग भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस आके पैसा खाने का काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर इसमें बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। ये रोड का काम लगभग 3 से 4 महीने पहले से चालू है, अभी तक ये रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। बारिश से पहले ये रोड का काम पूरा होना चाहिए था। सलामुद्दीन भाई, आपने ही उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि बारिश से पहले ये रोड का काम पूरा हो जाएगा। कहाँ है वो इंटरव्यू देने वाले? क्या घर में सो गए? यहाँ पे लोगों के हादसे हो रहे, लोगों को परेशानी हो रही, वो कहाँ सो गए? अभी आप देख सकते हैं ऊपर का जो झरने का पानी है वो भी ये रोड पे आ रहा है, वहाँ पे पाइप डाल के वो पानी रोड से डायरेक्ट नाले में लेके जाना चाहिए था, पर उनको कोई ये नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को कोई ये नहीं, इंजीनियर को कोई ये नहीं है, सब पैसा खा के सो गए। खड़ी पूरा भय की यहाँ पे रोड पे आया हुआ है। आप भी यहीं पे रहते हैं ना? हाँ, हम भी यहीं अंदर ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है मेरा। यहाँ पर जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं, आज फिर हादसा हुआ, बाइक सवार को काफ़ी चोट लगी है। अरे अभी तो सबको चोट लग रही है, किसी न किसी का हादसा हो जाए, कोई मर जाएगा तो क्या होगा? किसी का, हमारे घर का, चाहे आपके घर का, चाहे किसी भी घर का हो सकता है वो, तो उसके लिए दीवार कम से कम 5 फुट बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी की जान बच जाएगी। टक्कर भी होती है तो रोड पे अंदर ही रहेगा ना, बाहर तो जाके गिरेगा, वहाँ गिरने से किसी को, लोगों को हादसा हो सकता है, सोसाइटी में कोई जाता है तो उसके ऊपर कुछ हो सकता है हादसा, किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। बारिश का पानी भी रोड पे पूरा जा रहा है।
तो आपने सुना कि आज करीब 11:30 बजे के आसपास में मुमरा के गांव देवी के रहने वाले जिनका नाम नौशाद खान बताया जा रहा है, वो जो है यहां से उतर रहे थे और बताया जा रहा है कि उनका संतुलन बिगड़ा और जो है वो यहां दीवार से आकर जो है उनकी टक्कर हुई, उसके बाद ये सीधा जाकर वहाँ सोसाइटी में नीचे जो है गिर गए। कुछ स्थानीय लोग यहाँ थे जिन्हें उठाकर फिर गौतमी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 20 से भी ज़्यादा उनके सर में टाँके हैं। लेकिन जिस तरह से इस बाईपास जाने वाले जो गांव देवी जाने वाला रोड है, ये इसके काम को लेकर जो है लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बारिश से कई महीना पहले इसका काम चालू हुआ था और इसे जो है पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन आधा अधूरा काम जो है इसका करके छोड़ा गया है और पानी जो है झरने का पानी है या फिर कहे पहाड़ों से जो पानी आता है वो डायरेक्ट इसी तरह से ये रोड पे देखेंगे आप कि इसी तरह से रोड पे ये पानी बह रहा है, जिसकी वजह से बाइक सवारों का जो है संतुलन बिगड़ता है और इसी वजह से जो है वो हादसे का शिकार होते हैं। हालाँकि इसको लेकर जो है यहाँ पर कई जो जनप्रतिनिधि थे उनसे मांग की गई थी कि इसकी बेहतर तरीके से काम किया जाए, लेकिन आज फिर एक यहाँ पर हादसा हुआ है।